मैं तो धसना चाहूं भीतर, मुझको खींचे बाहर कौन, रीते रीते मन के झरने, फिर भरता मन गागर कौन। कई कलाकार मानते हैं जब उनके मन की गागर रीतने लगती है, खाली होने लगती है, तो संस्कृति की नदी फिर से अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, अपनी समृद्धि से उन्हें भर देती है। कलाकार मानते हैं कि भारतीय संस्कृति में वो ताकत है जो ना केवल भारत को आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रही है, बल्कि आज पूरी दुनिया इस संस्कृति को नमन कर रही है। और इसी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए वर्ल्ड वाइड इंटेलेक्ट काउंसिल भी काम कर रही है। हाल ही में किरोड़ीमल कॉलेज के साथ मिलकर संस्कृति में युवाओं की भागीदारी पर उसने एक जनसंवाद का आयोजन किया, जिसमें संस्कृति को लेकर विचारकों ने और युवाओं ने कई प्रासंगिक सवाल उठाए। साथ ही ये भी बताया कि कैसे भारतीय संस्कृति का परचम आज पूरी दुनिया में लहरा रहा है। देश के युवाओं को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित करवाने के लिए दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में एक जनसंवाद का आयोजन हुआ। वर्ल्ड वाइड इंटेलेक्चुअल काउंसिल द्वारा आयोजित इस जनसंवाद का विषय था जनसंवाद, भारतीय संस्कृति में युवाओं की भागीदारी, जिसमें सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य गुरु और सांस्कृतिक विचारक डॉक्टर सोनल मानसिंह ने देश की संस्कृति में युवाओं की भागीदारी पर अपने विचार रखे। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर युवाओं के साथ, विशेष करके जो चर्चा होती है उसमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ कहने को मिलता है। तो संवाद का वही है कि नौ वर्ष विशेष करके अभी जो मोदी सरकार के कार्यकाल को हुए हैं उनमें क्या क्या योजनाएं जो पहले नहीं थीं उसके बारे में भी बातचीत हुई, और संस्कृति के द्वारा उत्कर्ष, उत्थान और सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका विकास वगैरह जो बातें हैं वो किस तरीके से वास्तव में इन रियलिटी घटित होती हैं उसके बारे में चर्चाएं हुई। इस अवसर पर युवा छात्रों ने भी अपने विचार इस कार्यक्रम में आए अतिथियों और विचारकों के साथ साझा किए। भारत सरकार ने देश के युवाओं को संस्कृति से जोड़ने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव और आज़ादी के अमृतकाल के तहत कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया है। वर्ल्ड वाइड इंटेलेक्चुअल काउंसिल और किरोड़ीमल कॉलेज का ये प्रयास अपने आप में इसलिए भी सराहनीय है क्योंकि इस द्विपक्षीय संवाद ने युवाओं को अपनी संस्कृति से नए सिरे से जुड़ने में मदद की और कई महत्वपूर्ण सवाल भी उठाए। हमारे रामायण, महाभारत, इनमें बहुत सारे नाटक बने, बहुत सारे महाकाव्य, बहुत सारे गद्य पद्य चंपू और उनमें सभी रस विद्यमान है जो आजकल की मूवीज में होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, गौतम, ये सभी प्राप्त होंगे। तो मैम, उन पे मूवीज बना के हम युवाओं को क्यों नहीं प्रोत्साहन कर सकते? बहुत अच्छा विचार है, और छोटी छोटी आधे घंटे की भी जो फिल्म्स बन सकती हैं, दे शुड बी एंटरटेनिंग एंड विद दैट एजुकेटिंग। संपर्क से समर्थन विचार को बढ़ावा देता ये कार्यक्रम अपने आप में एक नई उम्मीद देता दिखाई दिया। रंगतरंग, डीडी न्यूज़।